मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, आप बताइए आप सब कैसे हैं। और मैं हूँ बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, आज है मेरे एकादशी का फास्ट। तो सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर अपना, मैंने जल्दी से काम साफ सफाई कर ली थी घर की, मंदिर साफ कर लिया था। और मेरा एकादशी का फास्ट आज है इंदिरा एकादशी। तो मैं हर एकादशी का व्रत रखती हूँ। तो अब मैंने फटाफट से अंगारी कर ली है क्योंकि मैं पूरा हवन और विधि विधान के साथ करती हूँ पाठ पूजा। तो जल्दी से मैंने अपनी कथा पढ़ ली थी। आज है इंदिरा एकादशी। और एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी व्रत माना जाता है। बहुत ही मान्यता है। जैसे हमारे परिवार में मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि शुरू से मेरी माता जी भी थी, मेरी चाचियाँ, मम्मी, बहनें, भाभियाँ सभी एकादशी का व्रत रखती हैं। और कहते हैं कि इसका बहुत ही मतलब फल मिलता है हम लोगों को, यहाँ तक कि हमारे पितरों को भी इसका फल प्राप्त होता है, उनको भी उनकी भी मतलब तृप्ति होती है इस व्रत से। तो इस तरीके से मैं हमेशा एकादशी का व्रत रखती हूँ। तो आज है एकादशी का व्रत। मैंने भी पूरी विधि विधान से व्रत किया, आरती करी, पूजा करी, कथा पढ़ी और उसके बाद चलो चलते हैं मंदिर, आपको अपने यहाँ के मंदिर लेके चलते हैं। तो जैसे ही मैं गई मंदिर के पास तो मैंने देखा यहाँ पर लगे हैं अच्छी से बोर्डिंग, माता के मतलब दुर्गा माता के लाने की तैयारी चल रही है। और ये देखिए स्टार्टिंग में हमारा शनि देव का मंदिर। और यहाँ सबसे पहले मैं कि पीपल का वृक्ष है, एकादशी वाले दिन बहुत ही मान्यता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा बहुत ही अच्छी बताई जाती है। और मतलब इस दिन जरूर पीपल के नीचे जोत जलानी चाहिए, जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तो मैंने भी सबसे पहले एकादशी के मतलब मैंने भी सबसे पहले अपने पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाया, जोत जला दी और उसके बाद मैं गई मंदिर के अंदर। फिर गई मैं मंदिर के अंदर और मैंने फटाफट से जाके पूजा अपनी ख़त्म कर ली और जल्दी से मैं लौटी अपने घर को वापस, क्योंकि यहाँ पे फिर भीड़ हो जाती है। मैं सुबह जल्दी चली गई थी और अगले दिन था मेरे ससुर जी का श्राद्ध। तरीके से मैं जल्दी उठ गई, मैंने फटाफट से सारा काम ख़त्म करके पहले पंडित जी को फोन कर दिया था भोजन के लिए आने के लिए। फटाफट से मैंने खाना तैयार कर दिया, सेवैयाँ बना दी थी, छोले बना दिए थे और साथ ही साथ मैंने फटाफट, पंडित जी आ चुके थे, पूड़ियाँ उतार दी थी। तो सबसे पहले जब श्राद्ध होता है तो उसमें कुत्ते बिल्ली और गाय के लिए और कौवे के लिए निकालते हैं हम लोग, और मंदिर में भी हम निकालते हैं भोग लगाने के लिए। फटाफट से मैंने भोग करा के और पंडित जी को भोजन कराया। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मेरी सुबह बहुत ही अच्छी हुई है क्योंकि मेरे बेटे ने मेरे लिए बहुत अच्छा सा सरप्राइज प्लान करा था। उसने बोला मम्मी आप बाहर जाओ और एक चीज़ रखिए वो लेकर आओ। अब मैंने सोचा कि मेरे को ऐसे काम के लिए बोल रहा है, मैं चली गई बाहर। तो जैसे मैं अंदर आई तो देखा तो भाई मेरे लिए है एक सरप्राइज के, और इसमें क्या है ये मुझे भी नहीं पता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मैंने कोई ऐसा पार्सल वाला ओपन नहीं करा था आपके सामने, इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो दिखाती हूँ आपको इसको खोल कर। एक मिनट वो देना, चाकू देना। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पर लगी थी बहुत ही अच्छी सी सेल, और मेरे बेटे ने मेरे को उस वो देखता था कि मम्मी लाइव भी जाती है और फ़ोन पर बहुत ही ज़्यादा काम करती है, तो उसने मेरे लिए ये पैड एक ऑर्डर कर दिया था जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मतलब इतना अच्छा था, उसने कहा मुझे आपको जब भी बर्थडे पे कुछ देना है तब भी देना है, तो उसने मेरे लिए मुझे मतलब ये ऑर्डर कर दिया था और मुझे बताया भी नहीं था। और मैं देख के भी बिल्कुल हैरान हो गई क्योंकि मुझे मैंने सोचा ही नहीं था कि मतलब मुझे इतनी जल्दी से कोई चीज़ मिल जाएगी। तो देखिए मैं तो बड़ी खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और जब बच्चे ऐसे कोई सरप्राइज़ देते हैं तो सच में ही बहुत अच्छा लगता है भाई। तो मुझे तो मैं तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही थी क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है हम वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। चलिए इसे करते हैं ओपन, खुशी के मारे ओपन करते हैं इसे। टाइट है बॉक्स, और मैं तो नहाकर ही आई थी अभी, मुझे क्या पता था कि मेरे लिए कोई गिफ्ट आने वाला है। टाइट खुल रहा है। अरे भाई बहुत ही सच में, ये तो आईपैड, ये तो अरे बाप रे बाप, इसको कैसे उठाऊं, इसको ऐसे उठा लेती हूँ। अरे इसके साथ तो चार्जर वगैरह सब कुछ है भाई, तो ये तो सचमुच का है, ये तो सचमुच का भाई हमारे पास सब मिल गया है हमें। तो देखिए मेरे बेटे ने मुझे, मैं तो मेरे बर्थडे का फ्री गिफ्ट दे दिया है। बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट भाई, ऐसी औलाद तो भगवान सबको दे। तो अरे भाई मुझे इसे ओपन करना, मैंने ओपन तो कर लिया पर मुझे चलाना वलाना कुछ नहीं आता है। तो देखिए इस तरीके का है ये, और कितनी प्यारी सी इसकी स्क्रीन है, मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल पास से। देखो
देखो बिल्कुल पास से, ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी सी, बहुत प्यारा बर्थडे गिफ्ट मुझे मिल चुका है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उसके बाद हम आ गए मम्मी के यहाँ, तो मम्मी के यहाँ हमने खूब हंसी मजाक किया और मेरी दोनों छोटी सिस्टर्स भी आ गई थी तो खूब मिले, बातें बातें करी। पापा जी बीमार थे इसी लोग हम लोग मिलने आ गए थे। और उसके बाद आ गई मैं अपने घर, क्योंकि अगले दिन था मेरी सासू माँ का श्राद्ध, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो सुबह सुबह मैंने उठ के सारा खाना वाना तैयार कर दिया था और पहले ही मैंने पंडितानी को बुला लिया था और फटाफट से मैं उन्हें सारा खाना परोस देती हूँ। और जैसा कि होता है शादों में, मैंने पितरों के लिए पहले भोजन निकाला, जो भी सामान बनाया था उन सब में से सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा निकालते हैं पितरों के लिए, और वो हम गौ और गाय, वो हम गाय कौए और कुत्ते को देते हैं, चिड़ियों को देते हैं। तो मैंने फटाफट से निकाल दिया था पहले देवताओं के लिए, पितरों के लिए अलग भोजन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सारी बात आपके साथ शेयर करी। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, ठीक है, बाय बाय।